हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखते हैं डाइजेशन का डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं उसमें से कुछ हम देखते हैं। जैसे पहला है क्या, जॉइंटिस। जॉइंटिस ने हम सब ने पेशेंट को देखा भी है अपने आँख से, क्या कि जब उसके आँखें और नेल्स बॉडी जो है येलोइश कलर में हो जाते हैं, दिखने लगते हैं, तो सब कहते हैं जॉइंटिस हो। क्या बात है कि उसमें जो होता है लीवर अफेक्ट होता है, इसी वजह से एलोइस कलर आता है। लीवर जो है अफेक्ट होता है, स्किन एंड आई जो है टर्न येलो, आँख जो है और स्किन नेल्स जो है ये एलोइस हो जाते हैं। किस वजह से, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट की वजह से। बाइल पिगमेंट को डिपोजिशन से ये एलोइस कलर शो करने लगते हैं। बाइल पिगमेंट कौन से, जैसे ब्लीरुबिन, ये जो है बाइल पिगमेंट है। क्या हो गए, ये जॉइंटिस कैसे देखते हैं, लीवर अफेक्टेड होता है, स्किन और आई जो है एलोइस हो जाते हैं, किसके वजह से, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ बाइल पिगमेंट। दूसरा देखें डिसऑर्डर तो क्या है, वोमिटिंग। वोमिटिंग क्या है, इजेक्शन ऑफ स्टमच कंटेंट थ्रू माउथ। जब पेट का जो कंटेंट है वो माउथ से बाहर आने लगे तो वही वोमिटिंग है। कह सकते हैं कि फीलिंग ऑफ नौसिया प्रिसीड ओमटिंग। नौसिया जो है यही ओमटिंग प्रिसीड करता है। नौसिया मतलब मन जब खराब हो जाता है या मचलता है, वही नौसिया है। ए फीलिंग ऑफ नौसिया प्रिसीड ओमटिंग। और ओमिट सेंटर जो है ये ब्रेन के मेडुला में होता है। किस में होता है, ब्रेन के मेडुला में होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिख लेंगे या याद कर लेंगे, ओमिट सेंटर मेडुला में। अगर तीसरा देखें तो क्या है, डायरिया। डायरिया आप ऐसे देख सकते हैं, डाई मतलब दुगना, रिया मतलब बहना। जब फीकल डिस्चार्ज डबल हो जाए या टाइम बढ़ जाए, हम दो बार जाते हैं चार बार जाने लगे, तो क्या है डायरिया। क्या है, एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट जो है, बाउल मूवमेंट की फ्रिक्वेंसी जो एबनॉर्मल हो जाए। मतलब अभी कोई भी चीज 10 मीटर पर सेकेंड चल रही है, अब 15 चलने लगे, 25 से चलने लगे, फिर घट जाए, फिर बढ़ जाए, तो एबनॉर्मल है वो। क्या है, एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट। क्या होता है, इंक्रीज लिक्विडिटी इन फीकल डिस्चार्ज। फीकल डिस्चार्ज जो है लिक्विडिटी मात्रा बढ़ जाती है, इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जब बहाव किसी चीज़ का बहुत तेज है तो उसमें से एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो पाएगा, तो क्या हो जाता है, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है वो रिड्यूस हो जाता है। चौथा बात करें क्या है, कॉन्स्टिपेशन। क्या है, कॉन्स्टिपेशन। एक इसमें क्या है, बॉल मूवमेंट अगर इरेगुलरली। ये दोनों में बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो है इरेगुलर होता है, यहाँ एबनॉर्मल होता है। यहाँ जो है इरेगुलर होता है कॉन्स्टिपेशन में, यहाँ एबनॉर्मल होता है। क्या है, बॉल मूवमेंट इरेगुलरली एंड फीकस आर रिटेन्ड विथ इन द रेक्टम। यहाँ फीकल डिस्चार्ज होता है यहाँ, लेकिन जो है रेक्टम में ही रहता है, लेकिन इरेगुलर बॉयल मूवमेंट होता है तो क्या रहता है, पेनफुल होता है। इनडाइजेशन की बात करें जो है डिसऑर्डर लास्ट क्या कह रहा है, व्हेन फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड। जब खाना अच्छे से नहीं पचेगा तो वही इनडाइजेशन है। लेकिन इसके कारण क्या, जैसे इनएडिक्वेट एंजाइम सेक्रेशन, सही मात्रा में एंजाइम ना सेक्रेट हो, कम हो ज़्यादा हो तो भी क्या है, इनएडिक्वेट एंजाइम सेक्रेशन, एंजाइटी जिसको ज़्यादा होती है तब भी ये होता है। और क्या है, फूड पॉइजनिंग की वजह से, जो ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ खाते हैं या बाहर फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं उनको भी हो सकता है फूड पॉइजनिंग, एंजाइटी और इनएडिक्वेट एंजाइम सेक्रेशन, और भी इसके सारे हो सकते हैं जो भी अपने नुकसान कर रहे हैं सब हैं। कोई भी चीज़ हम ज़्यादा खा लेंगे तो भी इनडाइजेशन हो सकता है। तो ठीक, आप इसको स्क्रीन शॉट ले लेंगे या फिर लिख लेंगे, क्या है, जॉइंटिस, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन। तो ठीक, आज यहीं रखते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।